हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पाईचार्म कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, जेंगो कैसे इंस्टॉल करना है, एंड आज हम देख लेते हैं पाईचार्म कैसे इंस्टॉल करना है। तो आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है पाईचार्म डाउनलोड। ठीक है, पाईचार्म डाउनलोड आप लिखेंगे तो यहाँ पे जेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट आ जाएगी, तो इस लिंक पे आपको जाना है, jetbrains.com। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप डाउनलोड करेंगे पाईचार्म, तो आप कम्युनिटी वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप प्रोफेशनल को डाउनलोड कर लेते हैं तो वो एक ट्रायल वर्जन होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको मिलेगा, 1 मंथ के लिए। फिर आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, बट आप एक स्टूडेंट हैं एंड जस्ट आप सीखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप कम्युनिटी वाला वर्जन डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना है, और इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो मेरे प्रोजेक्ट्स परचेस करते हैं, तो मैंने बताया हुआ है कैसे जेंगो डाउनलोड करना है, कैसे हमारा पाइथन इंस्टॉल करना है, जेंगो कैसे इंस्टॉल करना है, ये तो हम देख चुके हैं। बट पाइचाम में भी काफ़ी सारे लोग मिस्टेक कर रहे थे, तो उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको गूगल पे सर्च करना है पाइचाम डाउनलोड, एंड आपको ये वाले लिंक पे जाना है, jetbrains.com पे। इस पे जाके जस्ट आपको कम्युनिटी वाले वर्जन को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। कहीं पे भी कुछ इंस्टॉलेशन करते समय कहीं टिक विक लगाने की ज़रूरत नहीं है, चेकबॉक्स आएंगे तो उसमें टिक विक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।